ट्रांसलेशन लेवल रेगुलेशन में फर्स्ट अपन ने बात की थी एफ टू अल्फा काइनेज के द्वारा कैसे होता है. नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं रेगुलेशन बाय 4EBPs. 4EBPs का मतलब है 4E बाइंडिंग प्रोटीन्स. 4E क्या है? यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E. EIF4E. यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4E. दो कंडीशन यहां पर मैंने शो किए. केस वन यहां पर मैंने लिखा है 5 प्राइम कैप रीजन जो है वहां पर 4F कॉम्प्लेक्स बनता है ट्रांसलेशन के दौरान, जो कि बना हुआ होता है इनिशिएशन फैक्टर EIF4E, EIF4G और EIF4A के द्वारा. ये तीनों मिलकर जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है 4F कॉम्प्लेक्स. EIF4B इस कॉम्प्लेक्स को ज्वाइन करती है और ATPase एक्टिविटी स्विच ऑन हो जाती है और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को mRNA में से रिमूव कर देता है. ये हमने mRNA शो किया है. और फिर राइबोसोम स्मॉल सब यूनिट के साथ 43S प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ होता है वो यहाँ पर डायरेक्ट आकर बाइंड होता है. स्टार्ट कोडोन के लिए स्कैनिंग शुरू हो जाती है और ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है. लेकिन और यहाँ पर मैंने शो किया प्रोटीन रेड कलर में 4E बाइंडिंग प्रोटीन. ये 4E बाइंडिंग प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करवा रहा है एक काइनेज जिसका नाम है mTOR काइनेज. ये mTOR काइनेज के साथ कोई एडप्टर प्रोटीन जुड़ी हुई रिक्टर, mTOR रिक्टर कॉम्प्लेक्स जो है ये बेसिकली 4E बाइंडिंग प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करवा के इनएक्टिवेट करवा देता है. फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में 4E बाइंडिंग प्रोटीन्स इनिशिएशन फैक्टर 4E पर बाइंड नहीं हो सकती हैं. इसका मतलब ये ट्रांसलेशन को रोक नहीं सकती हैं तो ट्रांसलेशन ऑन है. यहाँ पर रैपामाइसिन का नाम मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है, रैपामाइसिन बेसिकली इस mTOR काइनेज को रोक कर 4E बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा होने वाले ग्लोबल रेगुलेशन को रोकता है, ट्रांसलेशन को रोकता है. mTOR इसमें TOR जो नाम है वो इसीलिए है बिकॉज इट इज डिस्कवर्ड एज अ टारगेट ऑफ रैपामाइसिन. टारगेट ऑफ रैपामाइसिन की फॉर्म में इसको डिस्कवर किया गया था, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज mTOR. रैपामाइसिन एंटी कैंसर ड्रग की रूप में भी काम में ली जाती है. इसलिए यहां पर मैंने ये चीज लिखी है क्योंकि कैंसरस सेल्स में जो है mTOR काइनेज एक्टिविटी को अप रेगुलेटेड फॉर्म में देखा गया है. इसका मतलब कि कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं तो वहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो भी बहुत ही फास्ट चलाना होता है बहुत सी प्रोटीन्स का. तो उस कंडीशन में अगर कैंसरस सेल्स पर रैपामाइसिन का ट्रीटमेंट दिया जाए तो वो रैपामाइसिन क्या करेगा, 4F कॉम्प्लेक्स को बनने से रोकेगा जिससे कि कैंसरस सेल्स में प्रोटीन का ट्रांसलेशन रुकेगा और उनकी ग्रोथ जो है वो रोकी जा सकती है. केस टू में मैंने यहाँ पर शो किया है कि mTOR काइनेज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में, कोई सेल सिग्नलिंग चलेगी, वो सेल सिग्नलिंग इस mTOR काइनेज को इनएक्टिव करवाएगी और mTOR काइनेज अगर इनएक्टिव होगा तो 4E बाइंडिंग प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा और डी फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म में 4E बाइंडिंग प्रोटीन्स कैन बाइंड विद EIF4E. और अगर ये 4E बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो गई यहाँ पर तो ये G को बाइंड नहीं होने देगी, 4F कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा, ट्रांसलेशन इनिशिएशन नहीं हो पाएगा. इस तरह से ट्रांसलेशन को यहाँ पर रोक दिया जाएगा. इसी के एक दो कुछ रेगुलेशन इसी तरह का मैं कुछ रेगुलेटरी इस तरह की रेगुलेशन के कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर. 4E बाइंडिंग प्रोटीन जो है मोस्टली ये ग्लोबल रेगुलेशन में काम आते हैं. ग्लोबल रेगुलेशन का मतलब हुआ कि सभी तरह की जो जीन्स हैं उनके ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है. लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर कि ये किसी स्पेसिफिक mRNA के ट्रांसलेशन को रोकती है और बाकी mRNA पर फर्क नहीं डालती है. उन्हीं कुछ स्पेसिफिक ट्रांसलेशन इनिबिशन के एग्जाम्पल जो है वो मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर इसका, ड्रोसोफिला में एग डेवलपमेंट के दौरान कुछ प्रोटीन काम आती हैं, उन्हीं में से कुछ एग्जांपल मैं यहां पर लिख रहा हूं, ऑस्कर एंड नैनोज mRNA
regulation by कप. कप जो है ये 4EBPs फैमिली की प्रोटीन है. रेगुलेशन बाय कप एंड ब्रूनो प्रोटीन्स. तो यहां पर मैं ऑस्कर के बारे में और नैनोस के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी दे देता हूं. पहले ड्रोसोफिला में डॉर्सल वेंट्रल और एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमिनेशन जो है इट इज एन एंटीरियर पोस्टीरियर एंड डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस स्पेसिफिकेशन इज एन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. यानी कि एग के फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस का स्पेसिफिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है और उसी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. उन बहुत सारे चेंजेस में जो है वो हम सारे डेवलपमेंट बायोलॉजी में बात करेंगे. उनमें से कुछ mRNA जो है विच आर मैटरनली कोडेड उनको ट्रांसक्राइब करके और एग के साइटोप्लाज्म में स्टोर करवा दिया जाता है ट्रांसलेशन इनहिबिटेड फॉर्म में. उन्हीं में से ऑस्कर mRNA जो है ऑस्कर mRNA को एग के चारों तरफ ओवरी में प्रेजेंट नर्स सेल्स के द्वारा कोड किया जाता है और उनको एग के साइटोप्लाज्म में डिपॉजिट करवा दिया जाता है फ्यूचर एंटीरियर साइड में. फिर ये ऑस्कर mRNA जो है इनको कप और ब्रूनो के द्वारा इनहिबिट कर दिया जाता है और इस इनहिबिटेड फॉर्म में ही इनको माइक्रोट्यूबुल के ट्रैक पर होते हुए ट्रांसलोकेट करवाया जाता है पोस्टीरियर एंड की तरफ और पोस्टीरियर एंड पर जाकर ये अपना एक्सप्रेशन शुरू करते हैं. और इसी तरह से इनहिबिशन करवाया जाता है नैनोज mRNA का जो कि पोस्टीरियर एंड पर डिपॉजिट करवाया जाता है ड्रोसोफिला के एग में. तो पूरी डिटेल हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे. मैं सिर्फ यहाँ पर ऑस्कर जो है उस ऑस्कर के mRNA को यहाँ पर शो कर रहा हूँ और कैसे कप और ब्रूनो उसको रेगुलेट करते हैं वो चीज़ मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये ऑस्कर mRNA और ये इसका ORF हमने शो किया यहाँ और यहाँ यहाँ से यहाँ तक और ये इसका कैप वाला रीजन है यानी कि ये वाला पार्ट 5' UTR हुआ और ये वाला पार्ट 3' UTR अनट्रांसलेटेड रीजन. ये 5' UTR और ये 3' UTR और ये मैंने यहाँ पर शो किया है ऑस्कर mRNA. ऑस्कर mRNA जो उसका 5'3' UTR और ये इसका ORF मैंने यहाँ पर शो किया ये 5' कैप. जो 3' UTR है 3' UTR में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं BRE यानी कि ब्रूनो रेस्पॉन्स एलिमेंट. ब्रूनो रेस्पॉन्स एलिमेंट और ये ब्रूनो रेस्पॉन्स एलिमेंट नाम से ही पता लग रहा होगा ये ब्रूनो प्रोटीन के लिए बाइंडिंग साइट है और ब्रूनो प्रोटीन जब यहाँ पर बाइंड होगी तो ये यहाँ पर ब्रूनो प्रोटीन को सिंबल फॉर्म में मैं शो कर रहा हूँ. ये ब्रूनो प्रोटीन जो है ये बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करवाती है कप प्रोटीन के लिए और यहां पर मैं शो कर रहा हूं कि ये EIF4E जो है वो यहां पर बाइंड है. पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हमने अभी ऑलरेडी देख लिया इसका रेगुलेशन के बारे में कि कैसा हो रहा है. यहां पर क्या होगा कि ये ब्रूनो प्रोटीन यहां पर आकर बाइंड होगी और इस ब्रूनो से आकर बाइंड हो जाएगा कप और इस कप प्रोटीन पर ब्रूनो और 4E बाइंडिंग साइट दोनों प्रेजेंट है. तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि ट्रांसलेशन जो है वो क्या हो जाएगा
ऑफ हो जाएगा। ये कप बाइंड हो, बीआरई पर बाइंड होगा ब्रूनो, ब्रूनो पर बाइंड होगी कप प्रोटीन, आकर कप जो है उस पर 4E बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, और कप पर 4E बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है इसलिए वो कप क्या करेगा कि 4E प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, और AIF4F जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म होने से रोक देगा, और वो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांसलेशन रुक जाएगा। इसी सीक्वेंस में एक एग्जाम्पल जो है मैं और शो कर रहा हूं यहां पर, इसी सीक्वेंस में एक एग्जाम्पल और अपन लिख लेते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल जो कि ह्यूमन में भी इस तरह का रेगुलेशन देखने को मिलता है। ओजेनेसिस के दौरान एग के साइटोप्लाज्म में कुछ प्रोटीन है जो यहां पर रेगुलेशन करते हैं, और वो एग्जाम्पल मैं यहां पर शो कर रहा हूं, रेगुलेशन बाय मस्किन प्रोटीन। एंड CPEBs इन ह्यूमन एक्स। इसमें भी यहाँ पर सेम रेगुलेशन होगा, तो डायग्राम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर सिर्फ ये शो कर रहा हूँ कि जो mRNA है उस mRNA के 3' UTR रीजन में कुछ स्पेसिफिक कंजर्व्ड सीक्वेंस प्रेजेंट है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बाइंड एट CPE within 3' UTR of mRNA। तो ये वाला जो रीजन है रेड कलर में मैंने शो किया है CPE है, और ये CPE क्या है, साइटोप्लाज्मिक पॉली एडिनाइलेशन एलिमेंट, साइटोप्लाज्मिक पॉली एडिनाइलेशन एलिमेंट या साइटोप्लाज्मिक पॉली ए एलिमेंट। तो ये साइटोप्लाज्मिक पॉली ए एलिमेंट जो है इस पर आकर बाइंड होती है CPEB यानी कि CPE बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो CPEB जो है ये बाइंड होती है इस एलिमेंट पर जिसका नाम है CPE साइटोप्लाज्मिक पॉली एलिमेंट, और CPEB जो है इन पर आकर बाइंड होती है मास्किन प्रोटीन, और मास्किन प्रोटीन जो है मास्किन प्रोटीन पर 4E बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास्किन प्रोटीन यहां पर अगर बाइंड हुई तो वो 4E के साथ बाइंड होगी और ट्रांसलेशन ऑफ हो जाएगा। यहां पर रेगुलेशन किया जाता है CPEB काइनेज के द्वारा, तो CPEB काइनेज अगर स्विच ऑन हुआ तो वो इन प्रोटीन्स को CPEB को फॉस्फोराइलेट करवा देगा, सो दैट मास्किन विल नॉट बाइंड एट CPEB एंड ट्रांसलेशन विल बी ऑन। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि CPEB काइनेज अगर इनएक्टिव हुआ तो उस कंडीशन में CPEB कैन बाइंड विद मास्किन एंड इनहिबिट ट्रांसलेशन। ओके,